सो हे गाइस, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कुर्ता सेट जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मीशो का होल है पूरा ये, बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते सेट होने वाले हैं, अंडर 800 तक, 850 तक होने वाले हैं, और आपको इसमें एक से एक कुर्ते सेट देखने को मिलेंगे। आप मुझे बताइए कि आप लोग जब भी कोई सूट खरीदते हैं जो बाहर आने जाने का अच्छा खरीदते हैं, मतलब 2000-3000 ठीक है इतने तक का तो लेते हैं, नॉर्मल घर में पहनने वाला भी 500-800 रुपए का सूट आता है। अगर आपको सूट पड़ रहा है 800 का और देने पड़ रहे हैं 500, तो 1300 रुपए का सूट पड़ रहा है आपको, मतलब घर में पहनने का सूट भी। तो क्यों ना आप मीशो से मंगाओ और सस्ते में मंगाओ, खुश रहो, पैसे बचाओ। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले जो बहुत ही अच्छे अच्छे कुर्ता सेट हैं मीशो पे अवेलेबल। ये देखिए, ये कुर्ता सेट है और इस पे पूरे पे गले पे वर्क है, मशीन वर्क है, हैंड वर्क तो नहीं है, कुछ हैंड वर्क है कुछ मशीन वर्क है, तो इस टाइप से करके। और ये देखिए, कपड़ा बहुत ही अच्छा है, गर्मी में बिल्कुल नहीं चुभेगा, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका। और ये मतलब ये भी नहीं है कुछ इनर वाला है, इनर वाला नहीं है, ये नॉर्मल सूट है। ये मैंने मंगाया है एल साइज़ में और बहुत ही प्यारा सूट आया है ये। ये नीचे तक इसमें ये ही डिज़ाइन बना हुआ है। उसके बाद इसका जो ट्राउज़र है, ये इसका ट्राउज़र है ठीक है, इसमें कोई पॉकेट तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे ये बैक में इलास्टिक है, आगे से प्लेन है, और इसमें नीचे आपको मिलेगा ये डिज़ाइन ठीक है, ट्राउज़र में नीचे मिलेगा ये डिज़ाइन। हाँ, इसमें मुझे जो डिसअपॉइंट लगा वो लगा इसका दुपट्टा, क्योंकि इसका दुपट्टा मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेंथ वगैरह सब सही है, बट जब इसको ओढ़ते हैं ना तो ये थोड़ा सा चुभने वाला है दुपट्टा। हाँ, बाकी सूट बड़ा प्यारा है। तो ये वाला सूट आपको पड़ेगा 883 में। मैं इसका जो वो है जो लिंक होगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो लिंक के लिए। और हाँ, ये आपको मंत्रा पर भी अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। अब आते हैं हमने सेकंड कुर्ता सेट पे। सेकंड कुर्ता सेट है मेरा ये वाला, ये डेली यूज़ के हिसाब से हैं। ये सेकंड कुर्ता सेट है, ये पूरा प्रिंटेड है, नेक पे इसके ये यहाँ पे बटन वगैरह लगे हुए हैं, और ये ओपन होने वाले नहीं है, मतलब डिज़ाइनिंग के हिसाब से दिए हुए हैं ठीक है। और ये पूरा प्रिंटेड है और इसको 3/4 की स्लीव्स है, फोल्डेड स्लीव्स है ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन दिया हुआ है, बाकी और सिंपल है ये। इसका ट्राउज़र ये है जो कि इलास्टिक वाला ट्राउज़र है और अच्छा खासा बड़ा ट्राउज़र है। कपड़ा बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, कपड़ा मतलब कॉटन कपड़ा है बिल्कुल, और गर्मी के हिसाब से तो बहुत सही है, बहुत सही है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं अगर इसके प्राइस आपको बताऊंगी तो आप इसके प्राइस सुन के भी बहुत खुश होने वाले हो। ये वाला जो कुर्ता सेट है ये मैंने एल साइज़ में मंगाया था और ये मैंने मंगाया था 442 का। मतलब बताओ, 442 में आपको सिला सिलाया पूरा एकदम रेडीमेड पहनने को मिल रहा है और कोई कपड़ा नहीं लेना पड़ रहा, किसी को सिलने नहीं देना पड़ रहा, तो ये बहुत ही परफेक्ट लगा मुझे 442 के हिसाब से, तो इसको तो मैं बिल्कुल रखने वाली हूँ। तो नेक्स्ट कुर्ता सेट है हमारा ये वाइट एंड ब्लू कलर में, ये स्लीवलेस है। इसमें हाँ, ये देखो, ये कॉलर इसका नेक है कॉलर वाला, और इस पर ये थ्रेड वर्क है कॉलर पे थोड़ा सा, और ये वी शेप नेक में है, ये मुझे अच्छा लगा था काफ़ी। और इस पर पूरा प्रिंट है, फ्लावर्स प्रिंट है पूरा, और कपड़ा बहुत ही अच्छा है एकदम, गर्मी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया कपड़ा है इसका, गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। और ये मुझे पड़ा था 448 में। तो आपको अगर पूरा कुर्ता है और इसका ये ट्राउज़र है, इसके ट्राउज़र में आपको इलास्टिक भी मिलेगी। हाँ, ये इलास्टिक वाला ट्राउज़र है इसका, और इसके जो ट्राउज़र के नीचे ये बॉटम में बिल्कुल ये थोड़ा सा थ्रेड का ही डिज़ाइनिंग है ये ऐसे करके। तो ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, 448 में अगर पूरा का पूरा सेट मिल रहा है, वो भी बिना किसी मतलब कुछ भी किए एकदम से ऑर्डर करो, लाओ धुलो पहनो, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मतलब एकदम से अच्छे खासे ये अच्छा खासा कलेक्शन हो सकता है आपके सूट में, आपके एथनिक वियर्स में। तो ज़रूर मंगा के ट्राई करिएगा।
तो नेक्स्ट कुर्ता सेट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ये वाला कुर्ता सेट। ये लगभग सेम सेम दो कलर के हैं। एक तो है इसमें ये वाला कलर, एक है इसमें ये वाला कलर। मैंने दोनों मंगाए हुए हैं। ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद आया था, पर्पल कलर, और ये कुछ पिंक और ग्रीन कलर का मिक्सचर है, तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है पहनने के बाद। और इसके साथ ये मुझे पड़ा था 791 का, बट इसके साथ क्या है, इसका दुपट्टा भी आता है, तो ये बहुत ही प्यारे दोनों ही सूट कुर्ता सेट है। और इसके देखो नेक पे ये डिज़ाइनिंग है, ये कढ़ाई है थोड़ी, उसके बाद फिर ये प्रिंट है पूरा, ठीक है। तो नेक पे ये थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह है इसके, और इसकी स्लीव्स भी 3/4 है। इसका मैंने साइज़ ऑर्डर किया था L, क्योंकि थोड़ा सा ढीला हो तो ज़्यादा बेटर है। और इसके साथ में आपको ट्राउज़र नहीं मिलेगा, इसके साथ में आपको मिलेगा सलवार, जो कि नीचे से थोड़ा नैरो वाले जिसकी मोरी है, ठीक है, बहुत चौड़ी वाली, बहुत जो वाइड वाइड सी होती है ना एकदम, वो नहीं है, थोड़ी सी नैरो वाली है। और ये मुझे अच्छी लगी, नीचे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग है इस पर ये थ्रेड का। बाकी ये सलवार है इसका, और इसमें नाड़ा वगैरह सब डाल के दे रहे हैं ये आपको कुछ नहीं करना है। तो इसका कपड़ा भी मतलब बहुत सही है, कॉटन है, बिल्कुल कॉटन का सूट है। और इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाऊं तो इसका दुपट्टा भी कॉटन का दुपट्टा है, ये दुपट्टा है इसका, ये देखिए। फिर से तय करके रखने पड़ेंगे। तो इसका ये दुपट्टा है, काफी लंबा दुपट्टा है, ये देखो काफी अच्छा खासा दुपट्टा है। तो बहुत ही प्यारा क्वार्टर सेट है, और 791 में सिला सिलाया पूरा विद दुपट्टा मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। और एक सेकेंड, इसमें ना सबसे अच्छी खास बात क्या है, इसकी सलवार में पॉकेट है, ठीक है। तो आपको कुछ रखना हो तो आई थिंक दोनों साइड तो नहीं, हाँ एक साइड पॉकेट भी दी हुई है इसमें, ये तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आजकल सूट में सलवार में पॉकेट होनी बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि भाई फ़ोन कहाँ रखो, मतलब हाथ में लेके चलते रहो पूरा टाइम, कभी कभार तो पॉकेट में रहना पड़ता है, तो इसमें पॉकेट भी है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा लगा मुझे। तो अब आ जाते हैं पर्पल वाले पे। पर्पल वाला मुझे पड़ा था ये 846 का, आई थिंक कलर की वजह से, या फिर सेलर इसका दूसरा, हाँ इसका दूसरा सेलर था, उसका दूसरा सेलर था, या फिर आई थिंक वो भी सेम प्राइस का पड़ा था, या चलो वो छोड़ो, अभी हम मैं दिखाती हूँ इसको। इसके भी नेक पे डिज़ाइनिंग है, और पता है क्या, इनके ना सूट, इन वाले सूट्स में ना यहाँ पे भी देखो ये वाले यहाँ पे डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ नेक पे नहीं है, साइड में भी बने हुए हैं डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो बाकी प्रिंटेड है, और ये वाला कलर सच्ची में बहुत मस्त कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। मतलब ये तो मैंने अपनी मम्मा को दिखाया था, तो मेरी मम्मा भी खुश हो गई थी कि मतलब सच में सिला सिलाया सूट इतने में मिल रहा है विद दुपट्टा, और बहुत प्यारा लग रहा है जो कि पहन के, तो सच में उन्हें भी बहुत पसंद आया। इसके स्लीव्स पे यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड वर्क है, ये जगह, ठीक है, सेम कलर का 3/4 की स्लीव्स है, और ये भी पूरा प्रिंटेड है। ये आपको जो थोड़े से लॉन्ग पहनते हैं उनको बहुत प्यारा लगेगा, मैं हालांकि लॉन्ग नहीं पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा था ये मैं थोड़े शॉर्ट पहनती हूँ सलवार पे, तो खासकर ट्राउज़र पे चलता है, बट सलवार थोड़े से शॉर्ट पहनती हूँ। तो इसमें भी पॉकेट है, एक एक पॉकेट दोनों साइड, मतलब एक एक पॉकेट दी हुई है इनमें, और ये इसका मतलब इसमें नाड़ा वगैरह भी है, इसमें इवन इस वाले में इलास्टिक भी है, पीछे इलास्टिक भी है, तो इलास्टिक भी है, नाड़ा भी है। और हाँ इसके भी ये सलवार में ये भी थोड़ा वाइड वाली नहीं है, नैरो वाली, ये इसमें नीचे ये नैरो वाली है नीचे से, और यहाँ पे इसमें ना ये जो मतलब प्लेट्स वगैरह बनाई हुई हैं, और जो कि बहुत प्यारी लगती हैं जब पहनते हो आप, तो पहन के ना ऐसे पटियाला टाइप सा लुक आता है, तो वो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि पटियाला मोस्टली लड़कियों को पसंद आता है। और इसके भी दुपट्टे में ऐसे ही दोनों साइड पे यही वाला प्रिंट दिया हुआ है, और बीच में फ्लावर दिए हुए हैं, ये पता नहीं क्या लग गया तो बीच में फ्लावर दिए हुए हैं छोटे छोटे से। तो ये भी पूरा कॉटन है, देखो दुपट्टे से देख के आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉटन है, ठीक है। तो ये वाला सूट भी पूरा कॉटन है ऐसे ही, और ये मैंने आपको बताया 846 में पड़ा है मुझे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत प्यारा है और पहन के बहुत ही प्यारा लगता है ये। ये देखिए इसमें ना पूरा ये नेक पे पूरा काम है, हैंडवर्क है पूरा, ये
ठीक है, ये मशीन वर्क नहीं है, ये पूरा हैंड वर्क है, और ये सीरियसली बहुत प्यारा सूट है। फिर नीचे ये लाइनिंग वाली प्रिंट है, और इसमें इसमें देखो साइड में भी ये डिज़ाइनिंग वगैरह बनाए हुए हैं दोनों साइड, ठीक है। स्लीव्स हैं, अच्छी खासी लंबी स्लीव्स हैं, और इसके साथ है ट्राउज़र, वाइट कलर का ट्राउज़र है इसके साथ में, और ट्राउज़र में नीचे ये जाली वाला डिज़ाइन है, ठीक है, और ऊपर है इसमें इलास्टिक है, ठीक है। वैसे प्लेन है ट्राउज़र, ट्राउज़र में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये कुर्ती बड़ी प्यारी है, और ये मुझे इतना प्यारा कुर्ता सेट मिला है 612 में, ठीक है। मतलब जिसके साथ में इतनी प्यारी कुर्ती आ रही है, मतलब ट्राउज़र भले ही सिंपल है, लेकिन सीरियसली ये पहन के बहुत प्यारी लगती है, बहुत मस्त लगती है। आप ये देखो, ये सच में बहुत प्यारी है। तो 612 में है ये, और इसका भी मतलब कपड़ा कॉटन है, और सॉफ्ट कपड़ा है एकदम, ये नहीं है कि मतलब चुभने वाला है या कुछ भी है, बहुत प्यारा कपड़ा है। तो इसको भी आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और इसमें साइड साइड में दी हुई है ये फ्लावर की बूटी टाइप दी हुई है, ये ऐसे करके फ्लावर की, तो ये भी बहुत प्यारा है। इसके बाद है मेरा ये एक येलो कलर का कुर्ता सेट, जिसमें कि आगे ये थ्रेड भी आते हैं, ठीक है, ये टैसल है इसमें, और ये आगे इसमें यहाँ पे काम हुआ हुआ है, गले पे नेक पे काम है ये, ठीक है, लगभग यहाँ तक काम है ना, और ये बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। ये देखो, ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लूज़ है बाकी सबसे, है ये भी एल साइज़ ही, लेकिन ये थोड़ा सा लूज़ है बाकी सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है, क्योंकि थोड़ा सा ना गर्मी में लूज़ लूज़ कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद इसके साथ भी सेम वाइट कलर का ट्राउज़र आता है, सिंपल एकदम, ऊपर इसमें इलास्टिक है, और नीचे इसमें मिलेगा आपको ये डिज़ाइनिंग, ये नीचे डिज़ाइनिंग है इसमें दोनों साइड, तो ये कुछ इस टाइप से है। बट इनके साथ में ये वाले दुपट्टे वाले सेट नहीं है, ये वाले खाली कुर्ता और ट्राउज़र वाले सेट है। तो ये मुझे पड़ा था 442 में, और 442 के हिसाब से ये वाला भी बहुत सही है, बहुत सही है सीरियसली। और भाई देखो, 300-400 रुपये के अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि आप ये बताइए 300-400 रुपये में, मतलब ये 442 का पड़ा मुझे, और 300-400 रुपये में कुछ नहीं आता आजकल यार, सूट पूरा सूट आ रहा है। दुपट्टा तो मैं क्या करती हूँ ना, असल में दुपट्टे वाले मैंने ज़्यादा इस वजह से भी नहीं वो किए, क्योंकि मैं एक दुपट्टे को 3-4 सूट के ऊपर चला लेती हूँ, तो उससे ये है कि सूट सस्ता मिल जाएगा और दुपट्टा भी अपना ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि दुपट्टा ना हमारा सबसे कम यूज़ होता है यार, सबसे कम, मतलब सूट ख़राब हो जाता है, दुपट्टा एज इट इज़ रहता है। तो इससे बेटर ये है कि नॉर्मल वाला कुर्ता सेट ले लो और दुपट्टे को 3-4 के ऊपर चला लो, बच जाता है आराम से। तो नेक्स्ट मेरा जो कुर्ता सेट है वो मैंने बाहर के पर्पज़ से ही मंगाया हुआ है, ये देखो ये कुर्ता सेट, इस पे पूरा नेक पे कढ़ाई है, ये मशीन वर्क है पूरा, और ये हाँ ये आप गर्मी में नहीं पहन सकते हो, ये आपको थोड़ा सा बारिश में या ठंड में पहनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनर भी लगा हुआ है, और ये थोड़ा सा मतलब आप गर्मी पहनोगे तो चुभेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेल साइज़ में मंगाया था, बट एक्सेल साइज़ में भी ये एल साइज़ जितना आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये लूज़ मंगाया था। और इसके जो है स्लीव्स पे भी कढ़ाई हुई है, स्लीव्स थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, बट ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें इनर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, और स्लीव्स पे दोनों साइड कढ़ाई है। बाकी नीचे यहाँ पे भी आपको कढ़ाई मिलेगी, यहाँ पे बॉटम पे भी एकदम, और इसका जो ट्राउज़र है, इसका ट्राउज़र ये रहा, और इसके ट्राउज़र में सिंपल ट्राउज़र है बिल्कुल, और इसके ट्राउज़र में आपको यहाँ मिलेगी बॉटम पे ये कढ़ाई हुई हुई है, ठीक है। ये सूट बड़ा प्यारा है, ये मुझे पड़ा था 862 में, बट इसका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि आई थिंक ये मतलब डिसकंटिन्यू वगैरह हो गया मीशो से, तो ये मुझे अभी नहीं मिला, क्योंकि शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो या जो भी है। तो इसके दुपट्टे पे भी यहाँ पे देखो, दुपट्टे पे ये लगी हुई है साइड साइड में, मतलब बॉर्डर बॉर्डर पे, दुपट्टा वैसे सिंपल है, शिफोन दुपट्टा है, ये देखो शिफोन का सिंपल दुपट्टा है, बट बॉर्डर पे ये वाला वर्क का मतलब वो लगा हुआ है, लेस वगैरह टाइप लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत प्यारा है, लेकिन ये मतलब आप डेली यूज़ में तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हो, इतना हैवी टाइप या फिर गर्म है ना। अभी मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है ये वाला, ये आई थिंक आपने मिंत्रा पे भी देखा होगा, ये वाला है, इसके भी नेक पे पूरा वर्क हुआ हुआ है,
येलो कलर में है, नेक पे वर्क है। इसकी जो ये स्लीव्स हैं ये थोड़ा मतलब पफी स्लीव्स हैं, यहाँ से असल में मुझे पसंद नहीं आती हैं, बट ये अभी मैं देखूँगी मुझे रखना है नहीं रखना है। तो इस टाइप से करके कुछ स्लीव्स हैं इसकी, और बाकी नीचे से पूरा ये सिंपल है। बाकी इसका जो ट्राउज़र है वो, ये सूट मैंने मंगाया है एम साइज़ में, और क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ मंगाओ, कोई भी कुछ भी ऑर्डर डाल लो, तो उसका साइज़ चार्ट ज़रूर चेक कर लो, क्योंकि बहुत से ब्रांड्स के साइज़ चार्ट अलग अलग होते हैं, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपको फिट आएगा उसके अकॉर्डिंग मंगाना। तो ये इसका ट्राउज़र है, पॉकेट वगैरह तो इसमें नहीं है, बाकी सिंपल ट्राउज़र है एकदम नीचे तक, कुछ वो नहीं है, प्लेन ट्राउज़र है, ठीक है। ये भी लेकिन आप मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में तो बिल्कुल नहीं पहन पाओगे, ये इसमें इनर तो नहीं है बट इसका कपड़ा थोड़ा सा ना मोटा है, तो मुझे नहीं लगता कि गर्मी में पहन सकते हो कुछ। उसका दुपट्टा इतना ऐसा है मतलब वो ओढ़ने के लिए या डाल, ये दुपट्टा डालने के लिए, देखो दुपट्टा प्यारा है लेकिन थोड़ा सा मतलब इस टाइप से है कि गर्मी में परेशान करने वाला टाइप ना, गर्मी में शिफोन के हल्के दुपट्टे वो अच्छे लगते हैं, दुपट्टा थोड़ा सा हैवी पड़ता है ये इस टाइप का। तो ये कॉटन भी नहीं है और ये चुभने से वाला दुपट्टा है, तो इस वजह से ये गर्मी के लिए तो नहीं है, बट हाँ ये पड़ा था मुझे 782 का, और इसका हाँ लिंक मुझे मिलेगा तो मैं इसको, इसका लिंक तो डाल दूंगी मैं अगर मुझे मिल गया तो, ही इसका लिंक मैंने अभी ढूंढा था मुझे नहीं मिला था, बट मिलेगा तो मैं बिल्कुल डाल दूंगी। उसके बाद मैंने मंगाए हैं कुछ नहीं, उसके बाद ये एक और सूट मंगाया है, लेकिन इसको मैं नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि इसका मुझे कलर पसंद नहीं आया। जो मुझे पिक में कलर लगा था वो था पिंक कलर, और पिंक कलर आपको पता है मुझे कितना पसंद है। तो ये कुछ आया है वाइन कलर में, तो या फिर मरून कलर बोल सकते हो, हाँ ये मरून कलर में आया है, और इसके गले पे ये थोड़ा सा डिज़ाइन है गोटा पत्ती का, और स्लीव्स बिल्कुल सिंपल हैं, हाँ स्लीव्स पे कोई डिज़ाइन नहीं है, स्लीव सिंपल है। वैसे ये कपड़े के अकॉर्डिंग अगर देखो, आपको घर में पहनने के लिए चाहिए तो बिल्कुल मंगा सकते हो, क्योंकि कपड़ा सॉफ्ट है, कॉटन है, ठीक है। ये पूरा नीचे से सिंपल है, प्रिंटेड है पूरा, और स्लीव्स 3/4 है, ठीक है। तो कपड़ा उसके हिसाब से सही है, लेकिन अगर आपको वैसे रखना है कि मतलब अच्छा चाहिए फिर भी लुक अच्छा आना चाहिए, तो उस हिसाब से नहीं, मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी उस हिसाब से, क्योंकि मुझे तो लुक इसमें नहीं पसंद आया। ये इसका ट्राउज़र है, और पॉकेट वगैरह तो नहीं है बट सिंपल ट्राउज़र है, प्रिंटेड वाला, ऊपर इलास्टिक है, और नीचे से भी सिंपल है, नीचे भी कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ इसके साथ में दुपट्टा है, इसके साथ में दुपट्टा है, और दुपट्टा भी कॉटन है बट हैवी है थोड़ा, कॉटन में भी, ये देखो। तो इसके दुपट्टे पे बीच में ये है पूरा डिज़ाइन बना हुआ, कुछ एलिफेंट टाइप बने हुए, और साइड्स में ये है, ये डिज़ाइन है, ठीक है। तो दुपट्टा थोड़ा सा हैवी है, लेकिन मुझे कलर नहीं पसंद आया, मेरे अकॉर्डिंग कलर नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने मंगाया कुछ ये कुर्ते, जो कि सिर्फ सिंपल कुर्ते हैं, ये एक स्लीवलेस कुर्ता है, बट इसमें एडजस्टेबल करने के लिए आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको एडजस्ट करते कर सकते हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, और ये स्लीवलेस सिंपल कुर्ता है, एकदम प्रिंटेड कुर्ता है पूरा, ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये इस वजह से फिर ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद है, हाँ ये मुझे कितने में पड़ा था वो मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे मिला था 344 में कुर्ता, ठीक। हाँ उसके बाद है मेरा ये वाला कुर्ता, ये भी स्लीवलेस कुर्ता है, ये भी स्ट्रैप वाला ही कुर्ता है, और इसमें फ्रंट पे और बैक पे यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग डिज़ाइन है, बाकी ये सिंपल प्रिंटेड है, ये शायद आपको मंत्रा पे भी मिल जाएगा, और ये मुझे पड़ा था 364 में, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसमें भी एडजस्ट करने के लिए, साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए ये लगा हुआ है, साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए इसमें भी, तो ये भी ये ब्लू कलर में है, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये भी। हाँ इसके बाद मैंने मंगाए हैं, दो दुपट्टे जो कि मेरे मोस्टली पे चल जाएँ जो मैंने बिना दुपट्टे के मंगाए हैं। एक तो है ये वाला पिंक दुपट्टा, ये इस पर पूरा गोटा पत्ती वाला बॉर्डर है, और इसमें टेसल्स भी लगी हुई है, ये देखो ये काफ़ी लंबा दुपट्टा है, ये 2.5 मीटर है कम से कम, दुपट्टा 2.5 मीटर का दुपट्टा है ये कम से कम, हाँ
तो ये बहुत प्यारा लगा था मुझे। और ऐसा मेरे पास एक और भी है, बट मैंने ये इस वजह से मंगवाया क्योंकि वो मेरे एक नए सूट का है और मैं नए सूट का सब पे नहीं डाल सकती क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा वरना तो तो इस वजह से मैंने ये मंगाया था। ये पड़ा था मुझे 258 का। और एक मैंने ये मंगाया था मल्टी कलर में दुपट्टा, ये देखो ये मल्टी कलर में दुपट्टा है पूरा। और ये आई थिंक इसका मैंने प्राइस नहीं लिया, ये मुझे कितने में पड़ा था तो ये मेरे पास नहीं है अभी, मैं बता दूंगी, बट फिर भी ये कितने पड़ा था मुझे। ये मंत्रा पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी मंगा सकते हो चाहो तो। ये चीज़ मैंने मंगाई थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, आपको कौन सा कुर्ता सेट पसंद आया या फिर कौन सा कुर्ता पसंद आया वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आप चाहते हो कुछ भी शॉपिंग करना, इसमें से कुछ भी खरीदना, तो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो या फिर मुझे कमेंट कर दो। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।